Hey guys, good morning and welcome back to another new vlog and hope you all are doing well. और अभी सुबह का 8 बज रहा है क्योंकि आज सुबह का ब्लॉग है ये और संडे मॉर्निंग है, तो संडे मॉर्निंग मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ. लेज़ी फील होता है क्योंकि एवरी डे आप लोगों को पता ही है कि सुबह मैं 4:30 से 5:45 बजे उठ जाती हूँ. तो एक ही दिन होता है, एक से दो दिन एक्चुअली, सैटरडे और संडे यही दो दिन होता है मेरा थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं. और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय और मैं खुद थोड़ा सा पानी पीऊँगी क्योंकि जस्ट उठी हूँ, 10 मिनट हुआ होगा. आज मैं सच में बहुत लेट उठी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था लेट उठ के. आज सब चीज़ लेज़ी फील हो रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीती रहूँगी और चाय बनाती रहूँगी सबके लिए. चाय चढ़ा चुकी हूँ मैं, चाय वाय पियेंगे उसके बाद मैं आऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ऑन टाइम होना ही चाहिए 9 बजे के अंदर. तो मैं फटाफट से सबके लिए पहले चाय बना दूँ. और चाय रेडी करते करते यहाँ पे ना मुझे आज मतलब संडे है, स्पेशल कुछ लंच भी बनाऊंगी वही दिमाग में चल रहा था. और ये रहा हम लोगों की चाय, मतलब मेरी चाय, और उसके साथ ये ना थोड़ा सा केक है जो मैं बनाई थी थोड़ा सा घर में, और ये स्टोर बॉट है. अभी तक ये क्रिसमस केक चल रहा है हमारे घर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बन गया था एक्चुअली, और ये लास्ट बाइट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज इसका यूटिलाइज ही कर देते हैं. तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी नीचे फ्रिज से सारा सामान निकालने, क्योंकि एक ही बार मैं सारा सामान निकाल के फिर ऊपर ले जा के रख दूँगी, फिर जितना जितना सामान का ज़रूरत होगा उसी हिसाब से काम करूँगी. तो बार बार नीचे जाने का ना डिस्टर्बेंस नहीं होगा मेरा, क्योंकि फ्रिज में एक सामान लेके आऊँ फिर मुझे नीचे जानी ही पड़ती है. तो बाय द वे मैं गोभी लेके आई थी आज ना, मैं बहुत अच्छा एक टिफ़िन रेसिपी आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ, जो गोभी आलू मटर की होती है, लेकिन नॉर्मल वाली नहीं, जैसे गोभी भूनते हैं, आलू हम लोग भूनते हैं उसके बाद बनाते हैं, वैसा नहीं. इसमें मैं कैप्सिकम भी डालने वाली हूँ जो शिमला मिर्च होती है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न में ना शिमला मिर्च घर में बहुत आ रहे मेरे, तो मैं क्या सोच रही हूँ, और मार्केट में भी ना बहुत अच्छे हरे हरे शिमला मिर्च दिख भी जा रहा है. तो ऐसे नॉर्मली विंटर छोड़ के गर्मी का सीज़न में थोड़ा दिखता नहीं है, थोड़ा कम मिलते हैं. तो अभी शिमला मिर्च बहुत सारा मैं लेके आई थी उस दिन, तो मैंने सोचा कि चलो गोभी में मैं डाल के बना देती हूँ. और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बनती है. कभी आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा, इसका टेस्ट में ना आपको पता चलेगा. बेसिकली ये एक टिफ़िन रेसिपी है, आप बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हो. अब हस्बैंड के लिए कुछ बनाना है टिफ़िन में तो वो भी आप बना के दे सकते हो फटाफट, की हाथ में आपका टाइम कम है, आपको जल्दी बनाना है तो बस आप बना सकते हो ये वाला. और ये ना जो रेसिपी है ये पराठे के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं आज वही करने वाली हूँ. तो मैं गोभी आलू बनाऊंगी, उसके साथ पराठा भी बना लूंगी. तो आलू को ना मैं छोटे छोटे कट कर लूंगी, जिस साइज़ में मैं गोभी कट की हूँ छोटे छोटे, उसी साइज़ में आलू को भी मैं कट कर लूंगी. मैं ना दो प्याज भी इसमें डालने वाली हूँ, मतलब लच्छों में प्याज कट करके मैं डालने वाली हूँ गोभी आलू में, तो ये बड़ा अच्छा स्वाद देता है. आप लोग कभी इस तरह से भून के थोड़ा बना के देखिएगा, मैं जिस प्रोसेस में आज बना रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है. तो बस प्याज को ना थोड़ा सा हाथों की मदद से ना स्मैश कर लेंगे हम, क्योंकि प्याज का जो लच्छा है एक दूसरे से खुल जाए. बस मीनवाइल मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में ली हूँ मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा राई, और ये दोनों ही चीज़ फ्लैटर करने लगे तो थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, तेज पत्ता डाल दीजिएगा इसमें. इसमें डालने हैं हम प्याज,
और प्याज को हमको थोड़ा सा भूनना है। भूनना क्या है कि एक दूसरे से प्याज थोड़ा अलग हो जाए, बस उतना तक ही आप भूनिए। और इसमें ऐड कर दीजिए शिमला मिर्च और पोटैटो जो हम लोगों ने कट करके रखा था, और उसके साथ ही साथ गोभी और मटर भी ऐड कर दीजिए ताकि सारे सब चीज़ एक ही साथ पक जाए। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मेरे पास था, स्टोर बॉट है। मैं बोली ना फटाफट बनाने वाली सब्ज़ी दिखाऊँगी, जो सब्जी आपको मतलब काटना पीटना ज़्यादा ना पड़े। बस इसमें मैं मसाले करूँगी, धनिया पाउडर, धनिया के पाउडर, हल्दी के पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर, थोड़ी सी आमचूर के पाउडर मैंने इसमें डाला, और थोड़ी सी नमक डाल दिया साथ में। और साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी गरम मसाला का पाउडर, ये गरम मसाला मेरे पास था, वो भी मैंने डाल दिया इसमें। बस इसको थोड़ा सा स्टर देना है हाई फ्लेम में, और हाई फ्लेम में स्टर देने के बाद सारे मसाले कोड हो जाए, इसको ढक्कन लगा के आप लो फ्लेम में पकाइए। इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो 10-1 मिनट मैंने पका लिया ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम में, तो देखिए कितनी अच्छी से गोभी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है और मसाले भी इसमें घुल मिल गए हैं। बस इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, जब तक गोभी आलू मेरा पक रहा है तो तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी पराठे के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह में पराठा ही बनाने वाली हूँ। संडे मॉर्निंग है और सबको पराठे खाने का बड़ा ही मन हो रहे हैं, तो मैं पराठे ही बनाऊँगी आज। तो बस मैंने आटा लगा लिया, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी ऊपर से, आटा का ऊपर से, और इसको थोड़ा सा गूंद के रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे 10-1 मिनट। तो इससे क्या होता है ना, आटा बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं रेस्ट कराने के बाद। तो चलिए मीनवाइल मैं देख लेती हूँ गोभी आलू का क्या हाल है। तो ये देखिए गोभी आलू ऑलमोस्ट पकने को आया है, मेरा पक ही गया है ऑलमोस्ट। इसको स्टर दे देंगे थोड़ा सा और छोड़ देंगे पकने के लिए। मीनवाइल मैंने यहाँ पर एग्स बॉयल के लिए रख रही हूँ, तो एग्स बॉयल हो जाएगा, एक तरह से अच्छा ही होगा क्योंकि मैं बॉयल एग सर्व करने वाली हूँ। मेरे घर में ना बॉयल एग सबको बेहद पसंद है, तो इसलिए ज़्यादातर डेज में मैं बॉयल एग्स ही बना लेती हूँ। और इसके साथ अब मैं देख लूँगी गोभी आलू का क्या हाल है। ये और एकदम पक चुका है, आप लोग देख ही सक रहे हैं, भून भून के पकाए हैं हम इसको स्लो फ्लेम में। बस इसको फिनिश करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती के साथ, कोरिएंडर लीव्स बिना तो ये सब्जी अधूरी है। तो बस अभी सीजन में भी धनिया की पत्ती एक्चुअली बहुत आ रही है, मार्केट में दिखाई भी पड़ता है, तो बस लेके आई थी मैं बहुत सारा, तो उसको फिनिश कर दिया मैं सब्जी को। बस अब मैं सर्व कर लूँगी गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी। आप लोग ज़रूर से बनाइएगा घर में, और मुझे कमेंट करके बताने बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये सब्जी का टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। नॉर्मल गोभी आलू से बहुत अलग था, और आज सुबह ब्रेकफास्ट में जो मैं ये बनाई थी ना मैं, तो सब कोई बहुत चाव से खाया था। ट्रस्ट मी, आप लोग भी बनाइए, टेस्ट में बहुत फ़र्क पता चलेगा आप लोगों को। तो फाइनली गोभी आलू तो मेरा बन चुका है, और यहाँ पे बन गया है एग बॉयल भी हो गया है, तो मैं फटाफट से सबके लिए पराठे सेक लूँगी। और मैं आज ना टोटल यूपी स्टाइल पराठा बना रही हूँ, मतलब जैसे मतलब शेप में मैं बोल रही हूँ वैसे ही स्टाइल का बना रही हूँ, गांव का स्टाइल का, नॉर्मल गोल वाला पराठा नहीं बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो लोग बोलते हैं कि आप रोटी को सेक देती हो और बोलती हो पराठा, एक्चुअली नहीं गाइस, मेरे घर में ना क्या होता है, जो भी तला हुआ होता है मतलब ऑयल में भुना हुआ होता है उसको पराठा ही बोला जाता है। और राउंड शेप का पराठा तो सभी जगह बनती होंगी, आपके घर में भी बनती होंगी, तो बस मेरे घर में भी बनता है। आज हाथ में थोड़ा सा टाइम था तो मैं शेप चेंज कर दिया, तो चलिए पराठा बन गया है। और ये रहा हम लोगों की आज की ब्रेकफास्ट, तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करके आते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी आप कर सकते हो। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी डिशवॉशर लोड करने। ये जितना बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ
मॉर्निंग का बर्तन नहीं है, कल रात का भी एक दो बर्तन बच गए थे, डिश वॉशर में जगह कम था तो हुआ नहीं था, मतलब लोड नहीं कर पाई थी, तो वो बर्तन भी इसमें शामिल है। तो सारे बर्तन मैं इकट्ठे ही लगा दूंगी क्योंकि अभी डिश वॉशर पूरा खाली हो चुका है। सुबह में एक लॉट ऑलरेडी मैं डिश वॉशर लोड करके चला चुकी थी क्योंकि कल रात का जितना सारा बर्तन था तो वो सारे बर्तन डिश वॉशर में चला गया था। और कुछ सब्सक्राइबर का सवाल था, मतलब कुछ मेरे दोस्तों का सवाल था यहाँ पे कि इतने सारे बर्तन गिरते हैं क्या आपके घर में? जी हाँ, बड़ा फैमिली है ना तो बर्तन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे डिश वॉशर लोड करके अभी ऑन कर दूँगी और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी तो सुबह का जितना काम है मेरा लिपट जाएगा। उसके बाद जब लंच बनाने आऊँगी तब मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन मिलेगा। अभी बीच में एक डेढ़ घंटा का रेस्ट होगा, थोड़ा सा बातें शातें हम लोग करेंगे, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तो बीच में जो रेस्ट कर रही थी ना वहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी चाय। एक्चुअली सबके लिए चाय बन रही है यहाँ पे, सब कोई चाय पिएगा क्योंकि सेकेंड राउंड चाय संडे को मेरे घर में बनते ही बनते हैं, ये मस्ट है जी। और ये देखिए जनाब यहाँ पे अभी मस्ती में लगे हुए हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, ये भी इंजॉय कर रहे हैं संडे मॉर्निंग। और इनको संडे मॉर्निंग पता नहीं इस टाइम क्या सूझ जाता है, ये अभी नया नया ऐसे खेलना सीखा है तो वही ये खेल रहा था और मुझे भी दिखा रहा था और बोल रहा था मम्मी खेल लो, तो मैंने भी थोड़ा सा इसके साथ खेला। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में क्योंकि किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए किचन कितना मेरा फैल गया है क्योंकि आज लंच में बहुत ही स्पेशल और ख़ास कुछ बन रहा है। एक्चुअली मैं मीट करी बनाने वाली हूँ आज। और ये देखिए मैं करेला थोड़ा सा भून रही हूँ यहाँ पे सबके लिए, दाल मेरा ऑलरेडी बन चुका है तो इसलिए मैं बोल रही थी किचन थोड़ा सा मेरा फैल गया है। और मैं आज एक्चुअली मटन करी बनाने वाली हूँ, जो मीट करी होती है, जो पोटैटो वाला तरी वाली जो मीट करी होती है ना, वो मैं बनाने वाली हूँ आज। वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होती है लेकिन अच्छे से बनती है, टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कुकर में मीट चढ़ा दिया है, इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, अब इसको मैं बॉइलिंग पे लगाऊंगी। इसमें ऐड करना है मुझे थोड़ी सी एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी मतलब सिनेमन स्टिक एक दो मैंने यूज़ किया है और थोड़ी सी छोटी इलायची और इसके साथ लौंग थोड़ी सी और थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक पेपर साबुत वाला मैंने यूज़ किया है। अब ये सारे सब मसाले को एक साथ और मीट के साथ मुझे पकाना है। थोड़ी सी नमक ऐड किया, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ऊपर से और बस, और कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा मिक्स दे देना है इस तरह से और बस इसको अब मुझे बॉयल लेना है 2 से 4 सीटी। जब तक मीट पक रही है तब तक मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें डाली हूँ ज़ीरा और उसके साथ ही ज़ीरा फ्लैटर करते ही डाल दूँगी सारे ऑनियन, बड़े साइज़ का ही 4-5 ऑनियन था तो मीट में ना थोड़ा सा ऑनियन ज़्यादा जाता है। इसका ग्रेवी अलग बनाऊँगी, मीट अलग बॉयल करूँगी और उसके बाद दोनों को कंबाइंड करेंगे हम लोग, तो इससे ना टेस्ट में बड़ा अच्छा आता है। और बस देखिए मैं यहाँ पे प्याज को भून रही हूँ, प्याज थोड़ा अच्छे से भूनना चाहिए, मतलब इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज होना चाहिए। बस इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टमाटो और इसको भी मैंने कट कर लिया है रफली चॉप, बस इसको थोड़ा सा स्टर देना है आपको अच्छे से, बस ढक के आपको इसको सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पकाना है। तो 10-1 मिनट पकाने के बाद ये देखिए प्याज और टमाटो थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, बड़ी अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको दे रही हूँ एक स्टर।
बहुत अच्छे से मिक्स्ड करना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो स्टोर बॉट होती है ना, उसमें थोड़ा सा स्मेल रह जाती है, तो बस इसलिए मैं उसको थोड़ा अच्छे से भून लिया। इसमें करूँगी मसाले, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ धनिया के पाउडर, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। और बस ये सारे मसाले एक साथ इकट्ठे आपको मिक्स देना है, मतलब ये एक रस हो जाए। और हाँ, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा और उसके बाद ही भूनिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर करके भूनिएगा, नहीं तो मसाला ना जल जाने का चांसेस होती है। बस स्लो फ्लेम में 10-1 मिनट पका लिया ढक्कन लगा के। लुक एट दिस कलर, देखिए प्याज टमाटो सब एक साथ बाइंड हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब मुझे क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है, इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो आधे घंटे का इंतज़ार था, उसके बाद ये रूम टेम्परेचर में आ गया है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। बस इसको मैं मिक्सी का जार में ऐड कर रही हूँ, बस इसको एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बाय द वे, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा। मैं कर रही हूँ तवा जो है ना उसको थोड़ा सा रिंस कर ले रही हूँ पानी से, इस तरह से। अब ये जो मसाले हैं ना, इसको जी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इसको ढक्कन लगा के आप एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए फाइन पेस्ट बन गया, और यहाँ पे मटन भी हम लोगों का बॉयल्ड हो चुका है, कम से कम 70% ये बॉयल्ड हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। बस इसमें ऐड करना है ये वाला ग्रेवी, और कुछ ऐड आपको नहीं करना है। जो पेस्ट मैंने बनाया था, मतलब हम बनाए थे, वही वाला पेस्ट मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे। बस इसको एक मिक्स दे देंगे बड़े अच्छे से। इसमें पानी वानी कुछ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें इतना सारा पानी है। बस गैस को ऑन कर देंगे हम, देखिए फुल फ्लेम में इसको ढक्कन लगा के 2 सीटी और लगाएंगे। बस 2 सीटी इसका हो गया है, अपने आप सीटी रिलीज़ कर चुका है। ये देखिए, लुक एट दिस कलर, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब गैस को मैंने ऑन किया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी अब पोटैटो। ये अब 90% तक कुक्ड है, पूरी तरह से तो है नहीं, थोड़ी सी कसर रह गई है। बस यही टाइम पे आप ऐड कीजिए इसमें पोटैटो। पोटैटो ऐड करने के बाद आप कुकर का लिड लगा के, मतलब ढक्कन लगा के 1 सीटी ज़रूर से दीजिएगा, तो क्या होगा, पूरी तरह से आपका आलू भी गल जाएगा और उसके साथ मीट भी पूरी तरह से गल जाएगा। इस स्टेज में मैं नमक मिर्ची चेक किया, नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो बस मैं थोड़ी सी नमक ऐड कर दी हूँ यहाँ पे स्वाद अनुसार। बस अब कुछ नहीं करना है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पका तो है लेकिन थोड़ा सा कसर रह गई है। ये देखिए पका तो है लेकिन थोड़ी सी कसर इसका रह गई है, तो बस अब कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, एक टुकड़ा है इसको मैं देख लेती हूँ, और कितना इसको पकाना है एक्चुअली, तो बस इसको थोड़ा बहुत और पकाना है। लीड लगा के मैं और 2 सीटी लगाने वाली हूँ इसमें, ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से पक जाए, थोड़ी बहुत और सॉफ्ट हो जाए मीट। तो बस 2 सीटी लगा लिया मैंने, और लगाने के बाद लुक एट दिस कलर, लुक एट दिस कलर, ऊपर कोरमा रिलीज़ हो चुका है, और ये जो तरी वाला मीट करी था ना, ये बेहद अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था राइस के साथ। आप लोग अगर ये बनाइएगा तो इसके साथ राइस ज़रूर बनाइए, राइस के साथ ये वाला मटन करी बड़ा ही अच्छा जाता है, तो बस कम्बिनेशन एक्चुअली बहुत ही अच्छा जाता है। तो चलिए, ये मेरा रेडी हो चुका है, इसको अब हम लोग फिनिश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। जी हाँ, धनिया की पत्ती के बिना अभी ये विंटर सीजन में कोई भी सब्जी अधूरी की अधूरी रह जाती है जी, ये मेरा मानना है, सबका नहीं है, ये मेरा मानना है। धनिया की पत्ती लास्ट में ऐड ना करो तो खाने में लगता है कुछ तो कमी रह गया है, एक्चुअली नहीं,
ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बड़ा पसंद है धनिया की पत्ती भर भर के खाना में डालने का, और उसका जो स्वाद आता है ना, जो टेक्सचर आता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आप लोग चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। तो चलिए, मेरा ये मटन करी तो हो गया है रेडी, अब ये रेडी टू सर्व भी है। तो चलिए सर्व कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहीं जी, मैं सर्व कर लेती हूँ, ये डन हो गया है। तो ये रहा आज की हम लोगों की गर्मा गर्म मटन करी, ये इसके साथ मैंने राइस बना लिया था। और हाँ जी, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक करके जाइएगा, और चैनल में है नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। और तो इसके साथ मैं आ गई हूँ वीडियो का एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जस्ट सोनी यूनियन मॉम विद परमा, तब तक के लिए बाय बाय।